हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। आई होप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं सावित्री दीदी के बारे में कुछ बात करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, सावित्री दीदी शादी तो उन्होंने गणेश जी से कर ली है, लेकिन अब वो पछता रही है। जी हाँ दोस्तों, यही खबर निकल कर आ रही है कि अभी अभी उन्हीं के वीडियो से यह मैंने सुना है कि वह एडजस्ट होने में थोड़ा सा उनको परेशानी हो रही। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने उनके गणेश जी और सावित्री जी दोनों ने कहा है कि थोड़ा सा दिक्कत है और एडजस्ट होने में भी थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा सब बोल रहे थे। कहीं ना कहीं सावित्री दीदी अब पछता रही हैं कि अब मतलब शादी करो तो अपने में ही करना चाहिए, मतलब अदर में, मतलब ऐसा है कि जैसे कि वो महाराष्ट्र में किया है तो महाराष्ट्र का और झारखंड का नेचर वाइज भी अलग रहता है और कल्चर वाइज भी। जी हाँ दोस्तों, इस वजह से वो थोड़ा सा टेंशन में रहती है कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बहुत टाइम लगता है ना एडजस्ट होने में। अब सावित्री दी वहाँ जहाँ से हैं, जहाँ पर उन्हें का कल्चर बहुत ही अलग है और महाराष्ट्र का कल्चर बहुत ही अलग है, तो थोड़ा सा खान पान भी अलग टाइप का है ना, तो उनको शूट तो नहीं कर रहा है, लेकिन अब कर लिए शादी तो देखते हैं कहाँ तक चलती है। जी हाँ दोस्तों, उन्हीं के वीडियो से ये सुनने में आ रहा है कि एडजस्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है और उनकी बहन के बारे में है, तो उनको बहन को देख के उन्होंने शादी की है ना, तो बहन के कारण से ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वह अमावस पूर्णिमा को रात भर न सोती है, न सोने देती है, न पता नहीं क्या उनके शरीर में आ जाता है, ऐसा सब बता रहे हैं। और उन्होंने मतलब पूछा है कि कहाँ ले जाए, क्योंकि डॉक्टर का भी सब कुछ करवा लिया है और बाबा का भी सब कुछ करवा लिया, जहाँ किसी ने जहाँ बोला वहाँ चले गए सबका, वहाँ पर कुछ नहीं फर्क पड़ा उनको इस वजह से। तो अब देखते हैं कि बागेश्वर बाबा का सब सुझाव दे रहे हैं, बागेश्वर धाम। जी हाँ दोस्तों, तो बागेश्वर धाम का बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जाए कि नहीं जाए, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने जाना चाहिए, क्योंकि बागेश्वर धाम का बहुत चर्चा में है और हो भी जाता है वहाँ पर। तो बने रहे हमारे चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।